किसने सोचा था दो समुदायों के बीच संघर्ष इस कदर बढ़ जाएगा कि कर्फ्यू लग जाएगा। अब भी आर्मी लगी हुई है वहां पर। सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं कि मणिपुर में हाल है क्या। देखिए, मणिपुर में तीन बड़े समुदाय हैं। ये बड़ी वॉल पर देखिए, ग्राफिक्स के जरिए समझिए। तीन बड़े समुदाय, मैतई, नागा और कुकी, ये तीन बड़े समुदाय हैं वहां पर। और इनमें अगर मैताई की हम तुलना करें तो मैताई में ज़्यादा हिंदू हैं, जिनको हम ओबीसी कह देते हैं वहाँ पर, तो ये ओबीसी कैटेगरी की है। और जो नागा और कुकी ईसाई हैं, अनुसूचित जनजाति में उस श्रेणी में वो आते हैं। अब मैताई की, जो मैताई की आबादी है वो करीब 60% है। मैताई वहाँ पर टोटल आबादी में से 60% है। सिर्फ 10% जो है वो मैदानी इलाकों में सिमटी हुई आबादी है, ठीक है। बाकी के जो 90% हिस्सा है वो पहाड़ी इलाका है, जहाँ पर कुकी और नागा समुदायों को मिलाकर लोग रहते हैं, और करीब 40% ऐसे लोग वहाँ पर बसे हुए हैं। उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं प्लेन एरिया, उसमें मैतेई रहते हैं, मुस्लिम पॉपुलेशन भी है वहाँ पर। देखिए, मणिपुर में 53% मैतेई हैं, 40% नागा और कुकी हैं, और करीब 8% के करीब मुस्लिम। जो लैंड जो है पहाड़ी, पहाड़ में, पहाड़ को आप पूरा तो नहीं यूज़ कर पाते हो रहने के लिए, इसीलिए आप देखेंगे जो ज़्यादा विलेजेस बने हुए हैं वो सारे फुटहिल में बने हुए थे। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारी प्लेन एरिया में होती है, पहाड़ में कम। कई लोग ऐसे हैं जो अभी मणिपुर वाले बैकग्राउंड से अनजान हैं, जो जानना चाहते हैं कि मणिपुर में 2 महीने पहले हिंसा क्यों शुरू हुई, सूबे को सुलगाने का ट्रिगर पॉइंट क्या था। हमने इसका भी पूरा एक्सप्लेनर तैयार किया है, मतलब हिंसा क्यों हुई, वजह क्या थी, कहां से शुरू हुआ, ये आपने अब पूरे ध्यान से देखना है, मिस मत करना है। विवाद एसटी रिजर्वेशन को लेकर शुरू हुआ। पहाड़ में नागा और कुकी को मिलाकर 30 से ज्यादा छोटी बड़ी जनजातियां हैं। ये अनुसूचित जनजातियों में आती हैं और इनके आसपास कई ऐसी सुविधाएं हैं, और पहाड़ी इलाकों में सिर्फ यही लोग रह सकते हैं, इस तरह का बंदोबस्त वहां किया गया है। अब आ जाइए मैताई पे। मैताई समुदाय इसका विरोध करता है, वो कहते हैं कि जो पहाड़ी इलाकों की सुविधाएं हैं उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि हमें भी एसटी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि रहने को जो जमीन है वो कम है। वो कहते हैं अगर एसटी का दर्जा मिलेगा तो वो पहाड़ों में शिफ्ट कर सकते हैं, जिस तरह से थोड़ा जम्मू कश्मीर के हालात थे ना पहले, उसी तरह की यहाँ भी स्थिति बनी हुई है, भौगोलिक स्थिति, मतलब ये यहाँ रह सकता है, वहाँ नहीं, वहाँ की जमीन ले सकता है, यहाँ की नहीं। यदि विवाद की जड़ है तो वो है पहाड़ी इलाकों में रहने वालों को लगता है कि अगर मैताई को एसटी का दर्जा मिला तो वो ऊपरी इलाकों में आएंगे और उनके अधिकार बंट जाएंगे, उनको भी वही अधिकार मिल जाएगा। विवाद पहले भी था, लेकिन इस बार मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले ने कहा कि मैताई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब वाला स्टेटस देने पर विचार करना चाहिए। ये अदालत का फैसला आया, 19 अप्रैल को फैसला आया। मई में हिंसा शुरू हो गई। आप देखिए कि 1 महीने बाद ही वहाँ पर हिंसा शुरू हो गई, गोलियाँ तक चली, कई घर जला दिए गए, हालात कंट्रोल से बाहर हो गए, सेना तक को भेजना पड़ा क्योंकि हिंसा इतनी ज़्यादा हो रही थी, कंट्रोल नहीं हो रहा था। यहाँ वहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग थे उन पर भी बहुत अटैक हुआ, उनकी भी जाने गई हैं वहाँ पर। मैतेई और कुकी बीच में जो झगड़ा हुआ था ये काफ़ी पुराना नहीं है, अभी हाल ही में हुआ था। मैतेई को वहाँ पे एक जुलूस निकाले थे, एक जुलूस निकाले थे जो कुकी लोगों ने, क्योंकि जो जुलूस जो है ये बता रहा था कि जो मैतेई लोग जो है उसको अनुसूचित जनजाति में यानी कि शेड्यूल ट्राइब में शामिल होने से उसको मतलब पसंद नहीं था, तो इसके अगेंस्ट में एक प्रदर्शन किया गया था। उसी समय वहाँ पे जो एक बाहर से लोग आए हुए थे कुकी मिलिटेंट्स, लोगों ने जो बंदूक इस्तेमाल किया था, सोफिस्टिकेटेड वेपन इस्तेमाल किया था, फिर मैतेई के गांव में चला गया और मैतेई के गांव के घर जो है उसको जला गया था। उसी के कारण से ये जो है दुर्घटना हुई थी, नहीं तो हम कुकी और मैतेई पहले बहुत आपस में प्यार में बांध के रहते थे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।